प्रणाम भाई मेरे, आप अच्छे हैं। मैं अपने भाई को दो कष्ट देना चाह रहा हूँ। एक मुखिया जी की हत्या हुई है गोपालगंज के थावे। जी भाई, मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे कम से कम इसको टेक्निकल ग्राउंड पे इसको देखने, शूटर कोई और है, मरवाया कोई और है, तो दोनों का कम से कम कैसे परिस्थिति जन क्या है, इसको तो मतलब निकालना बहुत जरूरी है। जी बहुत अच्छा भाई मेरे। आ ये दूसरा चीज़ कह रहे थे छपड़ा वाले में जो लोग अर्दर बकते हैं ज़बरदस्ती। हम तो पहले दिन जो घटना घटी थी तो उसी दिन जा करके हम जो लड़का एडमिट था तो उसको हम 50,000 रुपया मदद किए थे, और उसके बाद हमने वहाँ के मालिक को कह दिया था कि बाबू किसी भी कीमत पर पैसा नहीं लगे, जो लगेगा हमसे तुम बोलना। और उसके बाद हमने उसी दिन भी कह दिया था SP साहब आपने तो एकदम जो एक्शन लिया है वो तो कोई नहीं ले सकता इतना पूरा का पूरा वो घटना जो। लेकिन बाद में जो ये करनी सेना 200-300 मोटरसाइकिल के आके दो महिलाएं हार्ट अटैक हो गया, जल गया, वो उसको नहीं देखिएगा तो उन लोगों का तो मनोबल फिर बढ़ेगा। तो इधर तो हो गया, साला की आज गिरफ्तारी हुई है और घर तर तो ढाई दिया गया, तो उसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन एक होता क्या है कि लोग अब ये लोग जिस तरीके से अब वो कौन ब्राह्मण भूमिहार नेता जी, वो जो सोशल मीडिया वाला है ना, एक तो जादव सेना है, कोई जादवी सेना कौन है वो संतोष रेणु क्या, उसको भी FIR लॉन्च करना चाहिए। नहीं नहीं भाई मेरे, उस पर भी FIR लॉन्च करके उस पर लेना चाहिए। वो गाली गलौज माँ बहन करता है, ये सही नहीं है, एकदम बहुत बुरे तरीके से करता है। एक दो ठो और लड़का है, इधर से भी 10 लड़का है जो गाली गलौज करता है, एकदम जरूरी है भाई मेरे। हम तो हमको बता दीजिएगा कि हम जाके दोनों परिवार को हम सोचते हैं कि 1-1 लाख रुपया मदद कर दें जाके, तो किस दिन जाएंगे तो आप हमको कह दीजिएगा, मेरा प्रश्न जी। ठीक है तो 12 के बाद हम चले जाएंगे, तो आप वही हम सोचे भाई से बात कर लें। इस मामले में मुखिया जी के मामले में जो दो चीज़ आपके नॉलेज में आ ही गया है जी, ठीक है तो 12 को हम एक बार भाई से बात कर लेंगे, तब हम 13 को जाएंगे वहाँ। ठीक है भाई, ठीक, प्रणाम।